हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ एक बहुत खास गाड़ी है। इंडिया में पहाड़ों की रानी कहा जाता है इसे, फेवरेट है लोगों की, क्योंकि भाई ये जो गाड़ी है ना, खास करके ये जो स्पेक है, सबसे ज़्यादा मैंने कहीं देखा है तो पहाड़ों में देखा है। क्योंकि देखो, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और थोड़ी गाड़ी अगर रगड़ती वगैरह है तो ब्लैक बम्पर्स वहाँ उल्टा काम आते हैं। ये है ऑल्टो K10 न्यू वाली, जो है न्यू शेप, आप देख सकते हो, दिखने में काफ़ी एलिगेंट बनाया गया है। और कलर इसका बहुत एक्साइटिंग है, रेड कलर है, मेटालिक रेड कलर बहुत सुंदर है, और मेटालिक रेड को बहुत बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये ब्लैक बम्पर। ब्लैक एंड रेड का एक कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई जो ऑल्टो ले रहा है उसके लिए प्राइस बहुत ज़रूरी होता है। प्राइस देखिए इस गाड़ी का, आपको करीब करीब 482,000 इस गाड़ी का ऐसे ऑन रोड प्राइस है। और बाकी इसमें ढेर सारी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, तो आइए अब मैं उन एक्सेसरीज़ को आपको दिखाता हूँ, और फिर हम बात करते हैं कि फ़ाइनल इसका प्राइस कितना हुआ है और उसके लिए वर्थ है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फ्रंट स्किड प्लेट मिलता है, ये जो पार्ट है ये फ्रंट स्किड प्लेट है। उसके बाद साइड में आते हैं तो ये जो क्लैडिंग्स हैं, ये व्हील आर्च क्लैडिंग आपको अलग से मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिलता है डोर वाइज़र जो है ये आपको अलग से मिलता है, ये मतलब पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ है। फिर ये साइड मोल्डिंग, वहाँ पे जो ब्लैक बिट्स दिए हुए हैं जो ब्लैक बम्पर्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ साइड मोल्डिंग। उसके बाद हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर ना आपको ये स्पॉइलर मिल जाता है, बहुत बढ़िया लगता है स्पॉइलर, ब्लैक स्पॉइलर, ब्लैक बम्पर दोनों बहुत बढ़िया लगते हैं साथ में। रियर स्किड प्लेट आपको मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि ब्लैक बम्पर मिल जाता है, ब्लैक व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, साइड में ब्लैक मोल्डिंग मिल जाती है, पीछे भी ब्लैक बम्पर मिल जाता है, व्हील्स आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं, साइड इंटीग्रेटेड आपको ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। व्हील्स बिल्कुल छोटे मिलते हैं, 13 इंच के मिलते हैं स्टील रिम्स, फंक्शनल बहुत हैं, रोबस्ट बहुत हैं। दिखने में शायद आपको अलॉयज इतने अच्छे ना लगें, लेकिन फंक्शनैलिटी इनकी ज़बरदस्त है, और जो ये गाड़ी ले रहा है उसको फंक्शनैलिटी से मतलब है। तो बाहर यहाँ पे हम देख सकते हैं डोर हैंडल्स जो हैं, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, लेकिन बढ़िया है, मैच करते हैं इन सब चीज़ों के साथ तो अच्छा लगता है। और बाकी एक बार हम अगर अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा दूं। चाबी इसकी नॉर्मल ऐसी आती है, इस गाड़ी में एक्सेसरीज़ के पार्ट में इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी ऐड कराया गया है, तो सेंट्रल लॉकिंग हम देख सकते हैं बढ़िया काम करती है। मैं अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करने के बाद जब मैं इसके स्टेयरिंग की बात करूँ, देखिए सबसे पहले इसमें जो बैठना है वो काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके दरवाजे काफ़ी चौड़े खुलते हैं, और चौड़े खुलने के साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो की एंट्री वगैरह है वो भी काफ़ी आसान है, ये आपको पूरा डिजिटल मिल जाता है। स्टेयरिंग जो है पावर भले ही ना हो, ऑल्टो स्टैंडर्ड में आपको पावर नहीं मिलता है, इसके ऊपर से पावर मिलने लगता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको, आपको पहाड़ वहाड़ पे भी चलाने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और जो एक्सेसरी ऐड की गई है वो है पावर विंडोज़। पावर विंडोज़ ऐसे नहीं आते हैं इसमें, ना स्टीरियो आता है ना पावर विंडो आता है, पावर विंडो अलग से ऐड कराया गया है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और मैट्स वगैरह इसमें आपको एक्सेसरी के तौर पर मिल जाते हैं। टोटल अभी मैंने आपको जितने भी एक्सेसरीज़ का नाम बताया है उनका कॉस्ट ऑलमोस्ट 40,000 है, और इन सारी एक्सेसरीज़ को लगा के ये गाड़ी 5,22,000 तक में आपको ऑन मतलब घर ले जाने को मिल जाएगी। मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, SRS एयरबैग, जिस गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम नहीं है, इतने सारे फीचर्स नहीं है, उसमें भी SRS एयरबैग मिलता है। कहने का मतलब यह है, मारुति को पहले लोग बोलते थे कि अनसेफ गाड़ी, एक ये अच्छी शुरुआत है सेफ गाड़ी की तरफ, कम से कम यहाँ पे आपको 2 एयरबैग मिल रहे हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड, इससे बेस कोई गाड़ी ही नहीं हो सकती है जिसके बम्पर तक काले हों, उसमें भी 2 एयरबैग मिल रहे हैं। सेफ्टी पे थोड़ा ध्यान दिया गया है, थोड़ी मेटल की क्वालिटी अच्छी हो जाए, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ये गाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, सेफ भी हो जाएंगी, अच्छी तो ऑलरेडी हैं। माइलेज में देखो ऑलरेडी ये बेस्ट होती हैं, माइलेज में 25 का तो क्लेम्ड है नॉर्मल पेट्रोल का, CNG ले लोगे तो 30+। यहाँ पे अगर मैं आपको इसके डायल्स वगैरह दिखा दूँ, देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत क्लीन है, बिल्कुल यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, आपको नजर आएगा स्पीड, आपको आपका ये ओडोमीटर नजर आएगा, आपको फ्यूल मीटर नजर आएगा, और जितने वार्निंग लाइट्स हैं वो सारे नजर आ जाएंगे। बेसिक है और फंक्शनल है। यहाँ पे आपको फैन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, AC इसमें नहीं मिलता है, फैन इसमें मिल जाता है, फैन के कंट्रोल्स। सीट कवर भी एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, सीट कवर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे थोड़ी साइड कुशनिंग भी ठीक ठाक है, और ओवरऑल गाड़ी की जो सीट की कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं रियर सीट की बात कर लूँ तो रियर सीट में दरवाजे ठीक ठाक चौड़े खुल जाते हैं, और अगर कोई यहाँ बैठता है बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसे इस सीट को मैंने थोड़ा आगे कर दिया था, बट अगर मैं इसको थोड़ा पीछे भी लाऊँ तो मेरे पास जगह ठीक ठाक है, 4 लोग तो बिल्कुल आराम से बैठेंगे, 5वां भी बैठ सकता है अगर वो थोड़ा दुबला पतला हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम्प बहुत बड़ा नहीं है। बॉटल होल्डर आपको एक छोटा सा यहाँ पे मिल जाता है, आगे भी 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, थोड़ी वहाँ पे जगह मिल जाती है फ़ोन रखने के लिए,
फंक्शनैलिटी में भी ये गाड़ी अब काफ़ी अच्छी होने लगी है। यहाँ पे पीछे थोड़ा आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, हेडरेस्ट नहीं मिलता है, उसके लिए आपको जुगाड़ बना लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मिलता यहाँ पे है आपको पीछे सीट बेल्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है रियर पैसेंजर को भी। रियर में ज़रूर आपको जो विंडोज़ मिलती हैं ये आपको क्लासिक जो पुरानी वाली होती हैं ऐसे मैनुअल विंडोज़ मिलती हैं। ये मैनुअल विंडोज़ इनका भी अपना एक चार्म है, लेकिन वही है कि आज की डेट में ये गाड़ी ऑलमोस्ट 5 लाख टच कर चुकी है। ये दिखाता है कि गाड़ियाँ कितनी महंगी हो चुकी हैं। फाइनली अब हम इसका एक बार बूट स्पेस टेस्ट कर लेते हैं, और बूट स्पेस जब हम टेस्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो CNG गाड़ी है उसमें यहाँ पे CNG भी बहुत अच्छे से फिट हो जाता है टैंक। और अगर आप CNG नहीं डलवाते हो, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी भी आपको 25 का माइलेज दे रही है, इसलिए माइलेज ऐसा प्रॉब्लम है नहीं इसमें। यहाँ पे आप 2 छोटे-छोटे सूटकेस तो आराम से रख सकते हो, एक बड़ा सूटकेस भी हो सकता है अट जाए। ये सारे बेयर बिट्स थोड़े आपको ये पूरा बॉडी नज़र आता है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसको थोड़ा कवर कर देते तो बेटर होता। बूट की मैट इसमें आपको एज एन एक्सेसरी मिलती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है। और यही है बिल्कुल बेसिक ऑल्टो, इससे बेसिक कोई गाड़ी ही नहीं आ सकती है। आपने देखा इसमें आपको ब्लैक बम्पर्स मिलते हैं। सारे एक्सेसरीज़ मैंने आपको इसलिए बता दिए क्योंकि ये एक्सेसरीज़ हैं, गाड़ी का पार्ट नहीं है। पर बिना एक्सेसरीज़ के भी ये 4,82,000 उत्तर प्रदेश में मिलती है, अच्छे खासे पैसे हैं। या जाने से पहले एक बार मैं आपको ये गाड़ी दिखा दूँ, ये है 5,82,000, उस गाड़ी से 1 लाख ज़्यादा महंगी है। लेकिन इसमें आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको इस गाड़ी में AC भी मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको AC भी मिल जाता है। इस गाड़ी में जो आप स्टीरियो देख रहे हो वो इसके साथ भी नहीं मिलता है। 5,82,000 में भी स्टीरियो आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है, वो एज एन एक्सेसरी है। पर इसमें आपको ये ज़रूर मिल जाता है AC और बॉडी कलर्ड बम्पर्स, दो चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और इसमें आपको वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पर आपको जो मिल रहा था पावर विंडो का स्विच वो आपको कंपनी के तरफ से दिया जाता है, इसमें वो एक्सेसरी नहीं है। क्या आप इतने में कोई यूज़ कर लेना चाहोगे या आप ये लेना चाहोगे?